मैं पूछना चाहता हूँ सुशांत मेहता से, मैं पूछना चाहता हूँ हरभजन सिंह से, मैं पूछना चाहता हूँ वासे हबीब से, मैं पूछना चाहता हूँ इफ्फी रजा से, मैं पूछना चाहता हूँ उन हर लोगों से जो ये कहा करते थे और कहा करते हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। जो लोग ये कहा करते थे कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, भाई बंदे ने 10 सेंचुरी बना दी है। विराट कोहली ने इतने साल से वो T20 प्लेयर है, इतने सालों से T20 खेल रहा है, IPL खेल रहा है 2008 से। इस बंदे ने अभी तक 8 T20 सेंचुरी मारी है। ये खिलाड़ी ने पिछले 4 साल में 10 सेंचुरी मार दिया है। बंदे ने पिछले 4-5 सालों में 10 सेंचुरी मारा है ये। और तुम ये बोल रहे हो कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है? या तो मैं बता रहा हूं आगरा में, सच में अगर इंडियन हो तो आगरा में जाके, वहां पे मेंटल हॉस्पिटल है, वहां जाके अपना दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हो तो सच में बता रहा हूं, कहीं भी जाके अपना दिमागी इलाज करवाओ। क्योंकि कोई खिलाड़ी अगर इतनी ज्यादा सेंचुरियां बना रहा है, अपनी टीम को मैच जिता रहा है, और तुम बोल रहे हो कि वो बंदा T20 का प्लेयर नहीं है। आज एक बार फिर से बाबर आजम ने मारा है, आज फिर से मारा है बंदे ने। लंका प्रीमियर लीग के सीजन में सबसे पहला शतक जड़ने वाला बल्लेबाज बना है बाबर आजम, सबसे पहला शतक जड़ने वाला, और अपने दम पे अपनी टीम को मैच जिताया है पाले केले में। 188 रन सामने वाली टीम ने बनाया था, और उसके बाद बाबर आजम ने 189 रन की उन्होंने उनकी टीम ने बनाया और मैच जिताया। बाबर आजम ने अकेले 104 रन की पारी खेली है, 59 गेंदों का सामना किया। और जो लोग ये बोला करते भाई बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम है, तेरे स्ट्राइक रेट के मर्चेंट पे मूत दिया है बाबर।